तो रनिंग में अगर आपका पैर बढ़ जाता है, आपको एक्सलेंट रनिंग लगाना है, आपको रनिंग अच्छे से करना है, लेकिन आपके पैर भर जाते हैं, तो पैर ना भरने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आज हम कुछ ऐसा वर्कआउट करेंगे, उस वर्कआउट की वजह से आपके पैर बिल्कुल नहीं भरेंगे, आपके थाई मसल पूरी भर जाते हैं, आप पैर ही उठा नहीं पाते। और अगर आपको 100 की स्पीड बढ़ाना है 16 मिनट के लिए, अगर आपके पैर भर जाते हैं, आप रनिंग अच्छा कर लेते हो, आपका स्पीड भी अच्छा है, लेकिन आपके पैर भर जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आज हम कुछ ऐसे वर्कआउट करेंगे, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट वर्कआउट करने वाले हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट करने वाले हैं। आपको उस वर्कआउट को 20 या 25 मिनट में करना है, और हर एक 7 या 8 एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज की 2 सेट लगाने हैं। हफ्ते में 2 बार इस वर्कआउट करो, आपका जो स्ट्रेंथ है अच्छे से बढ़ेगा, आपके पैर बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज हम करेंगे एंकल बाउंस। दोनों पैरों पर हमें इस तरह से जंप लगाना है, सिर्फ हमारे आगे सिर्फ हमें पंजों पे इस तरह से जंप लगाना है। इससे आपके काप मसल में अच्छे से पावर बढ़ेगी। ये जो आगे हम सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके वजह से आपके जो पैर भर जाते हैं या थाई मसल भर जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं भरेंगे, चाहे आप 100 मीटर रनिंग करते हो, चाहे आप 16 मीटर रनिंग करते हो। फिर उसके बाद इस तरह से साइड जंप करना है, इससे आपको दोनों साइड पर करना है। हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट लगाएंगे, और एक्सरसाइज दो तो हमें अच्छे से करना है। दोस्तों इसी तरह से एक्सरसाइज करना, ये सभी एक्सरसाइज से आपके पैर बिल्कुल नहीं भरेंगे, और आपको ये 25 मीटर में इसी तरह से एक्सरसाइज करना है। अभी हमने पहला एक्सरसाइज किया है, सबसे पहले यहाँ पर हम एंकल बाउंस किया, उसके बाद साइड पर लैटरल किया, उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे। फिर दूसरा हम यहाँ पर हॉप लगाएंगे। आपको सिंगल लेग पर इस तरह से हॉप लगाना है, आपको घुटने को ऊपर उठाना है, इसके वजह से आपके लेग में स्ट्रेंथ बढ़ते है, और आपके लेग में पावर बढ़ते है, और आपके पैर भी नहीं भरते, और ऐसे आपको दोनों प्रेपर करना है, और हर एक लेग के 2 सेट लगाने हैं। फिर उसके बाद ब्रॉड जंप लगाएंगे, हमें इस तरह से दोनों हाथों को जर्क लेना है, और दोनों पैरों पर इस तरह से आपको जंप लगाना है, और आपको दोनों पैरों को इस तरह से प्लैट रखना है, ज़मीन पर प्लैट रखना है, और आगे तरफ फास्ट उठाना है। फिर करना है हॉबिंग, हमें दोनों पैरों को इस तरह से ज़मीन पर रखना है, और एक घुटने को ऊपर उठाना है, जल्दी से जल्दी उठाना है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह से आपको सिर पर हाथ रखना है, और आपको दोनों पैरों को इस तरह से आपको थोड़ा बेंड रखना है, और इससे आपको जंप लगाना है, इससे आपके पैर बिल्कुल नहीं भरेंगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, इस तरह से आपको नीचे बैठना है, सीटेड जंप लगानी है। इससे ये सभी एक्सरसाइज दोस्तों बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आपके लेग में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपके पैर बिल्कुल नहीं भरते, और इस सभी एक्सरसाइज के आपको 1 या 2 सेट लगाने हैं, 2 सेट लगाने हैं, और 20 से लेकर 25 मीटर में एक एक्सरसाइज करना है।